जोहार दोस्तों, राम राम जी, राम राम। मैं गणेश जी। मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों बोलते हैं समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। मेरे गणेश जी ऐसे कभी कोई काम नहीं किए जिससे मैं इसे ब्लेम लगाऊं। जब से आई हूँ तब से अगर कोई सहारा है तो बस यही है। बस मैं आप लोग कुछ दिमाग में कोई ऐसा वैसा विचार ना रखे। तो आज आपको बताई थी जितना बड़े खुशी हमारे जीवन में आए हैं, बोले तो गणेश सावित्री की जोड़ी में हमारी चैनल में जो भगवान की कृपा से जो भी हमें फल मिला है, तो सबसे पहले आज क्या है, आज है सबसे पहले श्री गणेश जयंती की। आज गणेश जयंती है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री गणेश जी की जयंती है और गणेश सावित्री की जोड़ी की भी खुशी है जी जी, और साथ में मैं गणेश जी हूँ। तो अभी हम लोग मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने से पहले अभी फिलहाल चाय बना लेती हूँ। और इधर देख सकते हैं चाय, वैसे दूध गर्म होने देती हैं, गर्म होने के बाद थोड़ा सा पिए। दोस्तों आज तुअर भी उबलाएंगे और उनको भी खाएंगे छील के, क्योंकि बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था और अभी जाने भी वाली है ना गणेश जी। हाँ, तुअर खत्म हो रही है। हाँ, इसीलिए जैसे मिला वैसे ही एक पाव ले दो। आज का वीडियो और स्पेशल है, कंटिन्यू रहिए, है ना। चल ठीक। तो दोस्तों देखिए इधर से हमने, दोस्तों ये देख सकते हैं कल रात को मैंने एक पाव, ये क्या बोलते हैं इसको, तुअर की फली, तुअर की फली ये देख सकते हैं, इसको मैंने उबाला है और हमारे गणेश जी को बहुत पसंद है, साथ में मुझे भी बहुत पसंद है। जी जी, दोनों इधर से लाए और थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद उबाले, इंडक्शन पर बॉईल किया। अभी ये लास्ट होने वाला है, इसलिए ये देख सकते हैं थोड़ा कीड़ा कीड़ा निकल रहा है, चुन के खाना। तो अब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना के रख रही हूँ। लोहा कहाँ है क्या नहीं, क्योंकि इतना सारा लोहा लाए। रूम के पीछे तो जाती है लोहा, लेकिन रूम के पीछे से कैमरा में देखते हैं बाहर नहीं आते। अब बोलते हैं तो बोलते ऊपर में लगा रहे हैं, अभी तो ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकती, इसलिए इसका वीडियो ही बना के रख रही हूँ। गणेश जी बोले सब वीडियो बना लो, बड़ा कैसा है कैसा है। दोस्तों मैं और गणेश जी अभी रेडी होके निकल गए और सबसे पहले तो अभी प्रसादी खरीद लेंगे और प्रसादी खरीदने के बाद मंदिर में चढ़ा लेंगे और चढ़ाने के बाद प्रसाद। आज हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हो, मतलब प्रोग्राम बोले तो किसी भी, जैसे हनुमान जयंती हो, आज है श्री गणेश जयंती, कुछ भी हो तो यहाँ पर महाप्रसादी वितरण होती है। तो अभी उसके बाद हम लोग महाप्रसाद भी जरूर जाता हूँ। हाँ, महाप्रसाद भी खाएंगे और महाप्रसाद में जाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ ना कुछ योगदान भी करना चाहिए, और योगदान भी करना करते ही हर जगह पे, कुछ ना कुछ जितना हमारे से बन सका। जी जी, तो अभी हम लोग निकल गए। आप ऐसे स्माइल करते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे और कीजिए ना। अभी वीडियो चालू नहीं है। अच्छा ले, चालू हो गया, नहीं हुआ और हंसी है ना, बस हो जाता। दोस्तों थैंक यू सो मच गणेश सावित्री की जोड़ी में, जो हमारा 50,000 सब्सक्राइबर कल थे दोस्तों, आज भाई 52,000 हो गया। तो अभी मंदिर गए थे हम लोग गणेश जी के, और आज क्या है गणेश जी, आज श्री गणेश जी की जयंती। तो श्री गणेश जी जयंती पे हम लोग ये मिठाई मंदिर में चढ़ा के लाए हैं, प्रसादी। अभी हम लोग सब मिल बांट के खाएंगे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। रूम जो है हमारा इसे धोया धाई कर दिए, साफ सफाई बचपन में हो जाता नहीं, कितना धोने का हो गया। और इधर से हमारे सब मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं, काम कर रहे हैं। बस करो, ज़्यादा मत धो, लाइन चली गई फिर पानी नहीं हो गया। और इधर से हमारे मिस्त्री लोग भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे। हाँ, लाइन बंद है। ऊपर सलाखा जलाया जा रहा है। क्या हुआ कि सुबह सुबह ये घर से ऐसे निकली तो ब्रश भी नहीं, और बोली कि मैं ब्रश इधर ही आके करूँगी। अरे तो ब्रश घर में कर लेना था, इतना लेट अगर ब्रश करोगे तो अभी टाइम क्या हो रहा है, फिर ये ब्रश किए बगैर कुछ खाती नहीं, खाओगे कैसे। आपको कुछ नाश्ता खाना, कुछ खाना चाहिए, अभी नाश्ता खाना चाहिए, टेबलेट लेनी है, दो कुछ समझते ही नहीं। जी अभी कितना समय रही पता है, देखिए दोस्तों अभी 12 बजे ही ब्रश कर रहे, तो नाश्ता कब करोगे, टैबलेट कब लोगे, जल्दी करो। आपने किया ना? हाँ, मैंने कर। फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये दो दिन का ब्लॉग जोड़ के मैं बनाऊंगी। राम राम। कल मंदिर गए गणेश
श्री गणेश जी जयंती में हम लोग प्रसादी भी चढ़ाए और खाए भी। और दोस्तों कल सुबह आई, नहाई धोई मैं यहीं पे, यहीं पर कपड़ा चेंज करके मंदिर गई और उसके ओहो अब और ऐसे चश्मा लगाते हो, इतना स्मार्ट दिखाते हो, मतलब आप इतना स्मार्ट दिखते हो। अच्छा। कि मैं कहीं ना कहीं मतलब मेरे लिए भी एक चश्मा खरीद दीजिए, चश्मा ले लेंगे पक्का, चश्मा लगाओ ना सर। तो दोस्तों अभी फिर से सुबह दूसरा दिन है और आपको मैं बता दूं कि ये स्मेल जो मुझे आ रही है, जिसके कारण कल सिर्फ मैं घर से यहाँ तक आई ये ड्रेस तो मैंने रख दिया, दूसरे दिन भी मैं यही पहन ली क्योंकि साबुन का स्मेल में मैं एकदम इतना थोड़ा थोड़ा साबुन मिलाती हूँ उसी में खींच के सूखने दे देती हूँ। पता है इसने साबुन का इस्तेमाल एकदम कम कर दिया, मतलब साबुन यूज ही नहीं करके, हाँ करके इसकी स्मेल इतनी आ रही मुझे नहीं पता। देखिए झूठ बोल रहा है, हाथ उठाई सॉरी। तो दोस्तों अभी आए, मुँह हाथ धो लिए और आज हमारा नसीब इतना खराब है कि रास्ते में दूध तक नहीं मिला, तवा मिल गया। मतलब बोले तो हमारे यहाँ पर दूध वाले बहुत घूम रहे हैं लेकिन लेने के लिए जगह मिले तब तो, रोड का इतना रोड का काम चालू है, इतना धूल इधर से उधर, मतलब बहुत रिक्स वाला है। और हमारे जो धनबाद में जैसे ट्रैफिक जाम कैसे होते हैं उस टाइप से यहाँ पर, ये जिस विलेज में हूँ उस विलेज से निकलने के बाद जब मेन रोड में जाऊँगी ना, और जब जाती हूँ तो लगता है धनबाद आ गए हम, तो बहुत बड़ी सिटी, इतने लोग, इतनी भीड़, ऊपर से एक ही रास्ता पूरा एकदम, क्या बोलते हैं, क्या करें, भले ये है विलेज पर ये बन रही है सिटी करके, अभी बढ़ते जा चारों तरफ डेवलपमेंट बहुत हो रही है, रोड बन रहे हैं। मैं आपको बताई थी ना कि मैं धीरे धीरे अपना सामान जोड़ रही हूँ, तो आज फाइनली ले लिया इसने तवा, मैंने ये तवा लिया, क्या खाना है, खाना डोसा, इसमें टूल्स वगैरह सीखूंगी ना रोड। अच्छा। इसके लिए और तवा लिए और ठोका भी गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खराब हो, खराब नहीं, देखिए अभी ये अभी निकला हुआ था यहाँ पे, रुकिए निकला हुआ है, हाँ ये निकल गया, हाँ 200 रुपया चला गया हमारा, फिर क्या निकलेगा, नहीं आपको क्या लगता, नहीं निकलेगा, निकलेगा फिर लगवाना पड़ेगा ये तो, है ना, लगेगा फिर से, हाँ लगा देते दुकान, देखिए तो इसको निकालिए ना, मुझे देखने दीजिए ना थोड़ा सा, 20-30 रुपए लेंगे इसको, मत देखिए रिबिट मार के देंगे ऐसे वाला। तो फाइनली तवा मैंने खरीद लिया और टूट गया, बैठिए। तो दोस्तों बात ये है कि मैं सुबह आती हूँ यहीं पर, जो जितना बना पाती हूँ बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, रात में मेरा हजम ही नहीं होता, रात में मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, अगर रात में मैंने कुछ भी खाया जैसे कि 4:30-5 बजे तक मैं खा लेती हूँ, और रात में बिल्कुल नहीं खा पाती। एक बार रात में माड़ भात बना के 1 बजे रात को खाई, तब तो महाभारत क्या बोले, मतलब खाना ही नहीं चाहिए था मुझे, तबीयत इतनी ख़राब हो गई। तो अभी वही 4:30-3 बजे मैं खा लेती हूँ और रात में ऐसे ही सो जाती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ फिर 11 बजे जो होता है खा लेती हूँ। और आप लोग बोल रहे थे कहीं दीदी अलग तो नहीं और हो गए, दूध वगैरह भी पी लेते हैं, दूध गर्म हो जाएगा, अभी पी लेंगे, आज तो मिला, आज ही मिला नहीं पर मिलता, डेली मिल ही जाता, आज नसीब में नहीं था, जल्दी भी आनी थी, इधर काम वाले भी आ गए हैं और हम मौसम भी बारिश जैसा बना पड़ा जी जी। तो दोस्तों बस आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि सावित्री दीदी आप अलग हो गए ना क्या, ये हो गया ना क्या, वो हो गया ना क्या, बहुत जल्दी हमारा स्लैब होने वाला है, हाँ तो, और हमारा लोहे की जो बांधनी थी पूरी स्लैब की वो हो चुकी है, आज फाइनल हो जाता है, और जो होगा आप लोग को वीडियो में सब कुछ अपडेट मिलेगा, ऐसा बात नहीं, जो हम लोग तो वही बताते हैं जो हमारी दिनचर्या में जो घटता बढ़ता जो काम हो रहा है, और बस ऐसे ही प्यार देती रही। और थैंक यू सो मच फिर से गणेश सावित्री की जोड़ी में हमारे आज 53,000 जो सब्सक्राइबर हो गए हैं, बोले थे जब 50,000 होंगे, 50,000 सब्सक्राइबर होगा तो ग्रैंड पार्टी होगी, लेकिन क्या बोले, खुशी हमारी नसीब में नहीं है, लेकिन गणपति बप्पा का तो आशीर्वाद है ही हमारे साथ, घर बन जाएगा पार्टी थोड़ा सा, लेकिन जाएंगे ना मंदिर, मंदिर भी जाएंगे, सिरपुर सिरपुर
आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।